फैमिली कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ अपनी ज़िंदगी में तो नया ज़रूर कर रहे होंगे जैसे मैं कर रही हूँ। तो आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं जो कि बहुत ही छोटी है और बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली है, साथ ही बहुत ही चटपटी भी है। तो जी हाँ, इसे कहते हैं हम हरी चटनी सॉल्ट के साथ। तो ये चटनी आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक थाली सजी हुई है और उस पूरी थाली में सब में ये चटनी पड़ी हुई है। तो आप जान रहे हैं कि इसमें अमरूद की चटनी है, आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगी। इसमें भतुआ का रायता था और इसके साथ साथ इसमें हरी चटनी भी थी। तो अभी फ़िलहाल हम बनाने चलते हैं इस हरे नमक को, जो कि यूपी की बहुत ही फेवरेट चटनी में से कहा जाता है। जब आप मूँगफली लेते हैं तो वो चटनी देते हैं। तो अभी मैंने धनिया, मिर्च और गार्लिक ये ले लिया है, क्वांटिटी मैंने लिख दी थी, तकरीबन 10-12 क्वांटिटी में लिया हुआ था। धनिया पत्ती ले ली थी 10-12 पत्तियाँ और उसके हिसाब से, डंठल के हिसाब से मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है थोड़ा सा पानी के साथ जार में। बस सो सिंपल, इसको वैसे ही ग्राइंड कर दीजिए। जैसे ही ग्राइंड होकर आ जाए आप किसी एक बाउल में निकाल लीजिए और इसको इतना ज़्यादा पतला मत करिएगा कि ये एकदम से ही इसमें बबल्स निकल के आए ग्राइंडर में। ये थोड़ी सी ऐसी लगेगी जैसे इसमें जार में थिकनेस हो, बट हाँ पेस्ट अच्छी तरीके से बन चुका हो। तो अभी फ़िलहाल मैंने पेस्ट बना लिया है और अब इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं। जैसे ही हम किसी बाउल में निकालेंगे तो हमें इसमें मिलाना है सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि और तीखी हो तो आप इसमें सॉल्ट और मिर्च जो है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। आप चाहिए तो इसमें जीरा, सौंफ, अदरक ये सब भी ऐड कर सकते हैं, बट उसको स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैंने स्टोर करने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ लहसुन, मिर्ची, अदरक साथ में नमक रखा हुआ है और इसको स्टोर कर सकते हैं आप 3 से 4 महीने तक। तो नो वरीज, ये अच्छी तरीके से स्टोर होता है। आप चाहते हैं ड्राई बनाना तो उसमें धनिया पत्ती कम डालिएगा और इसको थोड़ा ड्राई पीस लीजिएगा। बस ये सो सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही काम आने वाली रेसिपी है। आपको जहाँ पर भी ऐसा लगे कि कहीं कुछ सॉल्ट का पेस्ट डालना है, लाइक पराठे बनाने हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं, आलू का पराठा बनाना है तो उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चटनी में डालना है तो उसमें ऐड कर सकते हैं, दाल वगैरह में डालना है तो ऐड कर सकते हैं। इसका अलग ही टेस्ट है और ये एक टिप है बहुत अच्छे खाने को बनाने के लिए भी। तो आप जब भी यूपी आएंगे तो आपको मूंगफली के साथ ही चटनी ज़रूर मिलती है। और अगर आप कभी कुछ खाने में लाइक थाली, जब आप खाना खाते हैं तो उनकी थालियों में भी थोड़ा सा ज़रूर रखा जाता है, ताकि अगर आपको सॉल्ट की कमी लगती है तो आप किसी भी सब्ज़ी में ऐड कर सकें। तो दिस इज़ टू ऑसम, आप बनाकर खाइए। छोटी सी रेसिपी है, इन्जॉय करिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और साथ में ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करते वक्त चैनल को, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके भी हमें बताएं कि आपको कैसा लगा।